थार में आया हूँ और मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, तो आप आगे देख लीजिए कि हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं। एक हाण दी कुड़ी दे नाल यारी पै गई, एक हाण दी कुड़ी दे नाल यारी पै गई, दूजी चोरी दी बंदूक उहने मुल ले लई, चोरी दी बंदूक उहने। एक हाण दी कुड़ी दे नाल यारी पै गई, दूजी चोरी दी बंदूक उहने मुल ले लई, तीजा दाते आला। पहुंच गए ऑफ रोडिंग करने के लिए, तो मैं आपको देखा अच्छे से दिखा देता हूँ कि इसमें और बाहर से क्या अच्छे होते हैं। इसके बड़े से टायर्स होते हैं और ऐसे ये सब होते हैं। अब मैं आपको बूट स्पेस दिखाता हूँ। अब ये बूट स्पेस इधर है, तो इसके पास एक स्टेपनी भी है, तो इसकी बूट स्पेस खुलती ऐसे है। और आप चाहो तो फिर आप इसको ऐसे भी खोल सकते हो शीशे को। तो इसका ये आपकी उधर से एक और कार सामने से आ रही है। तो फिर अब मैं आपको दिखा देता हूँ आगे का क्या है और क्या होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें हेलो दोस्त, अब मैं आपको दिखाता हूँ ड्राइविंग सीट का एरिया। तो इसका रिवर्स आगे से लगता है, मतलब ऐसे आगे से साइड से। और इस पे फोर व्हील टायर है, ये टू व्हील पर भी चलती है और फोर व्हील। आप चाहे तो अभी ये टू व्हील पर चल रही है, फोर व्हील का यूज़ कम होता है क्योंकि ये एक जीप है, जीप्स का यूज़ बहुत होता है फोर व्हील की जगह टू व्हील्स पे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें चीज़ें होती क्या है। और ये पार्किंग लाइट्स जलती है, और अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते तो फिर इसमें से आगे से कुछ आवाज़ निकलती है, जिससे वो आपको बोलते हैं कि आपको सीट बेल्ट लगानी है। और अगर आप 100 पर चला रहे हो गाड़ी, तो फिर वो आपको मतलब बहुत परेशान करेगी। तो आप 90-80 पर चला रहे हो तो उस पर वो ठीक हो रहती है। और आगे इस पे एक स्क्रीन है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो इन बटन से। होम और भी चीज़ें होती है। और इसमें वॉल्यूम का भी है, वॉल्यूम आगे आगे कर सकते हो, पीछे कर सकते हो। तो जैसे कि इसमें हैंड ब्रेक इधर है, ये तो आप जानते ही होंगे। और ये सामने वाली एसी से ठंडी हवा आती है, मतलब इधर इधर के तो ठीक रहते हैं। और फिर भी आप टेम्परेचर एक बार ऐसे चेक कर सकते हैं कि आपको कितने पर रखनी है, गर्म ठंडा। तो और भी बहुत चीज़ें हैं इसमें, एयर बैग है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पीछे कैसे जाते हैं। यहाँ पर तो कोई गेट ही नहीं है पीछे जाने का, तो ये है पीछे जाने का गेट। आप इस सीट को ऐसे फ्लिप कर सकते हो, और ये सीट ऐसे खुल जाती है, इसको फ्लिप कर सकते हो अगर पीछे जाना हो है। तो फिर जैसे कि मैं अंदर गया, तो जैसे आपको दिख रहा है ये पूरा पीछे का सीट ठीक है। और इसमें यहाँ पर छोटी मोटी कार्स वार्स रख सकते हो, बॉल रख सकते हो। और इधर भी ये सब सेम ही है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ऊपर से चार चार स्पीकर्स लगे हैं, तो स्पीकर्स का फिर ठीक रहता है, वो आराम से बैठ सकते हैं। और इसकी रूफ स्पेस भी अच्छी है, ठीक है। और इसमें आप अपनी बॉटल्स भी रख सकते हो। तो मुझे आगे का कुछ डिज़ाइन चेंज लग रहा है पुरानी वाली थार से, तो मैं आपको आगे का दिखाता हूँ। तो ये अच्छा है, तो इसमें जीप स्पेस है और
और लाइट्स है, व्हाइट लाइट्स सब कार में होती है। इसकी व्हील्स बहुत बड़े हैं, पानी से भी चढ़ जाते हैं। और मैं बोनट पर बैठा हुआ हूँ और इसमें पैर रखने के लिए भी अच्छा बोर्ड है। और इधर देख रहे हैं कि मैं थार के अंदर हूँ, तो इसमें है कि आप एडवेंचर पे जा सकते हैं। रेडियो है, मीडिया है, अभी ब्लूटूथ है, तो अभी इसको बंद करना थोड़ा सा। तो रेडियो तो चलने दो, अरे रेडियो भी बंद हो गया, नो वॉल्यूम। तो इसका मैंने आपको दिखाया था स्टीयरिंग स्क्रीन का, तो बैक साइड का तो भी दिखा चुका हूँ, तो फिर अब दिखाने का कुछ बचा ही नहीं है, तो अब क्या दिखाऊं। हाँ, एक चीज बस और बची है, वो है लाइट्स। लाइट्स स्विच ऑफ, स्विच ऑन। देखिए, जैसे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक बटन है ग्रे कलर का, जिससे आप लाइट्स ऑफ, लाइट ऑन कर सकते हैं। अच्छा, अभी तो ऑन करना कर रहा हूँ। तो फिर आई होप यू एंजॉय द रिव्यू ऑफ द महिंद्रा थार। इट इज अ बिग जीप एंड यू कैन कॉल इट अ कार टू। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।